बस वो देखो क्या हुआ मेरा भी ख्याल है लेकिन है वो देखो चलो चलो Thank you.
वो सब लोग नीचे बैठता है। थैंक यू। क्या बात है खन्ना साहब अभी तक नहीं आए? कुछ गड़बड़ हो गई होगी। खन्ना साहब आगे आगे साहब की खन्ना साहब सोनू कहाँ थे? बताता हूँ, अगर सोना मिल गया तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं? सोना तो बड़े घर पहुंच गया, पुलिस आ गई थी। ओहो जी, ये बात नहीं चलेगा। ओए सच कहता हूँ, पुलिस के आते ही भागना पड़ा। क्या आखा बोल छोड़ के भागना पड़ा? सब कुछ। उसमें मेरा लाखों का माल था। अरे खन्ना खाली पीली का मस्करी करे। तुम्हें तो सोना जान से प्यारा है खन्ना। उस वक्त जान प्यारी थी, भागने अकलमंदी थी। किसी और को बनाओ खन्ना, अफीम के मामले में भी तुमने दगा किए। बोला कि पुलिस आते हैं, पुलिस आते हैं, पूछे हमें अपना रुपया चाहिए, रुपया सूद के साथ। अगर मैं पकड़ा जाता तो तुम लोग सब के सब मेरे साथ बड़े घर में होते। इतने दिनों से धंधा करता हो, एक मरतबा भी पुलिस की नहीं मार खाई और तुम रोज पकड़े जाते हो। वो हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? ओए सोना नहीं मिलेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। मैं तुम सब की एक एक पाई दूंगा, पहले के नहीं दिया। ओए आगे पीछे का नहीं चलेगा। ओए पूछिए हमें पैसा चाहिए। शोर डालकर तुम लोग एक ढीला भी मिलने वाला नहीं है। अगर अपना पैसा चाहिए इस वक्त यहाँ चुपचाप अपने घर चले जाओ, पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। अच्छा अभी तो हम जाते हैं खन्ना साहब, मेरा नाम धर्मवीर है, याद रखो मैं एक एक पाई पाई वसूल करके छोड़ूंगा। चलो भाई चलो, एक एक पाई पाई वसूल करके। समझता हूँ धर्मवीर जी, एक एक पाई पाई वसूल। तुम फिक्र मत करो डाली, वक्त ही बुरा है, जिस काम में हाथ डालता हूँ उल्टा ही पड़ता है। मगर ऐसे कब तक चलेगा? बर्बादी मेरे सामने नाच रही है, जो कुछ रुपया था उसने में लगा दिया, कुछ समझ नहीं आता क्या होगा। तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। अजीत आया? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। वो देखो आ गए। आज तो कान पे से गोली गई बॉस। मैं कहता हूँ अगर 5 मिनट और मिलते तो आधे से ज्यादा माल निकला। वो तो हाथ से निकल गया, अब उसका रोना क्या है। आपने भी कमाल कर दिया, मैं कहता हूँ जान बची और लाखों पाए। हाँ ये उठाई गिरे काफी मुंह लटकाए हुए जा रहे। मुझे धमकी देने आए थे। अच्छा, मैंने डांट के बाहर निकाल दिया। अजीत इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त होगा? बॉस हम सब आपके साथ हैं, आप कोई दूसरी तरकीब निकालते हैं? हाँ डाली, 10,000 रुपया तो कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा। शाम आप
थाम बालम आज तुम और हम हो साथ साथ और मस्त रात दुनिया को मार दो बम आज तुम और हम हो साथ साथ और मस्त रात दुनिया को मार दो बम देर लगाए मैं कब से तुम्हारे होटल में इंतजार कर रहा हूँ एक सामी का इंतजार था गुरु जरा देर हो गई बंसीधर सुना बंसीधर नहीं एक करोड़ी मल कहिए नाम बदलने में तुम्हारा जवाब नहीं खैर कुछ किया नाम किस लिए बदली किया गुरु अब की ऐसी तरकीब सोची है नहंग लगे न फटकड़ी और रंग आए चौखा कुछ रुपए का इंतजाम किया मुझे रुपए की बहुत सख्त जरूरत है मैं जानता हूँ गुरु कि अब के सोने के सौदे में पुलिस ने काफी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस जिक्र को छोड़ो जी तो तुम नहीं जानते कि सोना किसका है हुजूर माए बाप हम क्या जाने कौन थे सरकार हमारी तो मजदूरी भी मारी गई सरकार बड़े चालाक मालूम होते हो नंबर 137 इसे ले जाओ इन देश के दुश्मनों को बड़े घर पहुंचा कर ही दम लूंगा अरे यार अपना बॉस तो बड़ा बदनसीब है बदनसीब तो हम हुए जब बॉस कमाएगा तभी तो हम लोग की हालतें अच्छी होगी क्या खाक अच्छी होंगी खन्ना किसी को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं उसने कब किसको नहीं दिया खन्ना जैसा बॉस किस्मत वालों को मिलता है हम मर जाएंगे लेकिन बॉस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे भूखे रहकर तुम साथ दो अफीम का सौदा किया मार खाई सोना चोरी से लाने की कोशिश की पुलिस ने कब्जा किया ऐसे आदमी का कौन साथ दे लेकिन उसमें बॉस का तो कोई कसूर नहीं कसूर तो हमारा है जो हम ऐसे गलत आदमी का साथ दे रहे हैं मैं तो इस अड्डे को छोड़कर जा रहा हूँ बॉस की इजाजत के बगैर कोई अड्डे को छोड़ के नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता नहीं जा सकता देखता हूँ कौन रोकता है मुझे मेरे साथ जिसने भी गद्दारी करने की कोशिश की उसका यही हाल होगा छेड़छाड़ करते हुए मैं तुम्हें मैं तो इन ऊंची इमारतों की दाद दे रहा था बदतमीज कहीं का हेलो सेठ जी ओहो अजीत आप बैठो कहिए क्या रंग है आजकल आपकी काट छांट के भैया ईश्वर की कृपा से आजकल हाथ बड़ा सफा हो जाता है अच्छा हाँ एक ही झटके में लखपति को भिखारी बना देता हूँ मगर आज आप कैसे रास्ता भूल गए घर से चला था बस इतना याद हो किसी की याद ने भटका दिया भटकते भटकते आपकी घंटी पर नजर पड़ी और घंटी जो दबाई तो आप निकल पड़े गुड बाय
राम जी की, नमस्ते, आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पधारिए पधारिए मिस्टर। मिस्टेक, बिग मिस्टेक सर, बड़ा गलती। मेरा नाम मिस्टर पधारिए नहीं, मेरा नाम मिस्टर जॉनी है सेठ। यस यस यस, हमको मालूम, छापे में आपका पब्लिसिटी, बड़ा खुश हुआ। आप फाइनेंस का काम करता, गुड, ब्यूटीफुल आइडिया। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच सर, एंड टू से सेठ। आइए। अरे भाई, मैं सेठ नहीं। नहीं तो फिर कौन है आप? मैं सेठ का दोस्त। दोस्त? ओह हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप तो काम करती, काम में आएगा। आपको मालूम नहीं है आप क्या है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या चलेगा? अरे चलेगा क्या, बल्कि दौड़ेगा। आप थोड़ा तकलीफ करके, विल यू प्लीज स्टैंड अप, यानी कि खड़ा 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 हो जाइए आप। यस, थैंक यू। हो, ठीक है ठीक है ठीक है। गुड हाइट, ब्यूटीफुल बॉडी, फर्स्ट क्लास आंखें, आई मीन टू से आईज। भेजो, थैंक यू। हम तुमको बिल्कुल अजीत, अजीत क्या, बल्कि अजीत के मापक ही बना देगा। भाई हम तो बना बनाया है। अगर तुम्हें किसी को बनाना हो तो इन सेठ करोड़ी मल को बनाओ। आप है सेठ? आप सेठ है? अरे हम समझा लेट है, अर्जुन आए नहीं है। ओ भाई साहब जी, मतलब की बात करो। आपका मतलब क्या है? वहाँ बैठ जाइए। ठीक है, कहाँ? मैं बैठा हूँ कुर्सी पर हूँ जी। वहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सोफा? एक बात पूछ सकता हूँ? ये सोफा पीछे सर का या मैं आगे सर का? आप बिल्कुल नहीं सर के, सोफा पीछे सर का। वो तो हम लाइफ के अंदर कभी मिस्टेक नहीं किया। हर कोई बात नहीं, हम आपको अभी अपना इंट्रोडक्शन देगा, आई मीन टू से यानी कि जान पहचान। हम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर। हम फिल्म का हाई क्लास धंधा करता है। हमारे भेजे में चालू मार्केट का नया आइडिया है। आप कहानी सुनेगा जिसके अंदर सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हर एक चीज अपनी जगह परफेक्ट है। अगर आपको कुछ टाइम हो, यानी कि आपका टाइम खराब ना होता हो, तो मैं सिंपल के बतौर कोई टुकड़ा सुना हूँ स्टोरी का। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। थैंक यू थैंक यू। तो मैं सस्पेंस का एक टुकड़ा सुना देता हूँ। फुल रात, यानी भयानक रात, अंधेरी रात, काली रात, कैमरा एकदम पैन ऊपर, घड़ी का क्लोजअप टन 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 पूरे 12, कैमरा एकदम पैन डाउन धम धम धम। हीरोइन चली जा रही है। अच्छा, पीछे से विलन भागता रहा है। रुक जाओ नीना, नहीं मैं हाथ पांव कैसे दूंगी। रुक जाओ नीना, नहीं मैं हाथ पांव कैसे दूंगी। ये जरा हिंदी बोलती है, एक्सक्यूज मी। कैमरा भर से पैन, हीरो झाड़ से बंधा हुआ है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता है। इधर से कैमरा फिर पैन, धम फुलट, यानी कि तूफान, बरसात, पानी। तो इधर से पानी बढ़ रहा है, इधर से विलन बढ़ रहा है, इधर से हीरोइन बढ़ रही है, उधर से हीरो बढ़ रहा है, और डायरेक्टर, यानी कि हम, एक मिनट, और हम बीच में, सेंटर में। अब हमारा क्या पोजीशन होगा आप पूछ सकते हो? हम ये पूछता है, हीरो कहां से बढ़ेगा? हीरो क्यों नहीं बढ़ सकता था? वो झाड़ से बंधा हुआ है। झाड़ से बंधा हुआ तो क्या बात है, झाड़ से बंधा हुआ तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ ठीक है, गलती, झाड़ से बंधा हुआ आदमी नहीं बढ़ सकता। सॉरी, कुछ परवाह नहीं, हम इसी स्टोरी को कैंसिल करेगा। हमारे किसी में बहुत स्टोरी है, हम दूसरा स्टोरी बनाएगा। लेकिन सेठ जी, आप फाइनेंस का थोड़ा बात करो ना अभी। हाँ, फाइनेंस तो हम करता है, पर तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास स्टूडियो है, रॉ मटेरियल है, और कैमरामैन है, और साउंड रिकॉर्डिस्ट है, सब कुछ है। ये सब लोग अपना काम के हमारा काम भुगत में करने को तैयार है सेठ जी। हाँ, लेकिन हीरोइन का क्या होगा जानी बाबू? हीरोइन सुरैया, नरगिस, विजयंती माला, मधुभाला, हम हर एक को ला सकता है। आप जिसको बोलेंगे ना, हम उसको लेकर आ जाएंगे। हम विजयंती माला को डांस सिखाया। सेठ जी इधर मत देखो। हम विजयंती माला को डांस सिखाया, दिलीप कुमार को बाल बनाने का पेतरा सिखाया तुमने। हाँ, राज कपूर को पैंट मोड़ना सिखाया। अच्छा जी, तो तुम सब कुमार और कुमारियों को अच्छी तरह जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से। ये लोग सब हमारा फ्यूचर के वास्ते हमारी हेल्प करने को मांगता है, और अगर आपने पैसे से हेल्प किया तो हमारा काम बन जाएगा। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे खीसे में क्या? हमारे खीसे में सब कुछ है। हमारे खीसे में हम है, हमारा आर्ट है, हमारी कला है, हमारे खीसे में आपका भेजा है सेठ जी। क्या? गलती, आई एम सॉरी। हमारे खीसे में हमारा भेजा है सेठ जी, और आपके खीसे में क्या है बताऊं? क्या है?
देखो मत दौलत है दौलत। सेठ जी भगवान ने गलती से आपके खीसे में रुपया दिया और हमारे खीसे में आज दिया। जब दोनों खीसे एक हो जाएंगे तो अच्छा फिल्म तैयार हो जाएगा, हम दोनों माला माल हो जाएंगे। बकवास जाने, तुम तो बहुत समझदार मालूम होते हो। थैंक यू सेठ के दोस्त, आप तो हमारा भी दोस्त हो। देखो एक बात है जी, कौन फिल्म पे खर्चा कितना आएगा? फिल्म पे बजट तैयार है 2.25 लाख। बाबा ये तो बहुत सस्ता है। हाँ हाँ वैसे 5 लाख का बनता है जी। वो ठीक है मगर हीरोइन हमारी मर्जी की होगी और हीरो तुम्हारी मर्जी का चलेगा। हीरो तो अपना दोस्त भी चलेगा। हम ये लफड़े में नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों, यू मस्ट टेक चांस मैन। नो अच्छी बात जानो। देखो हम 2 लाख रुपया तुमको देते हैं। 2 लाख पर सेठ बजट तो 2.25 लाख का है ना। खैर कुछ परवाह नहीं, हम 2 लाख में भी चला लेगा। नहीं 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 नहीं, 2.25 लाख रुपया खर्चा होगा फिल्म पे। हाँ और तुमको 25,000 डालना पड़ेगा। 25,000 हमको डालना पड़ेगा? इतना समझा देने और बात कर देने के बाद भी? ओ गॉड। देखो देखो तुम, हम जानते हैं तुम बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छा वर्कर है। तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा तो दिल भी नहीं लगेगा। तुम्हारा पैसा लगेगा तो दिल भी लगेगा, जब दिल लगेगा तो काम अच्छा होएगा। इसलिए तुम्हारा सिर्फ 25,000, हमारा 2 लाख। 2 लाख तो आप दोगे ना सेठ जी? प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके ओके ओके। तो सेठ जी हम ये 25,000 और अपने आर्ट और कला के लिए एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, से कोई भी कुर्बानी देके हम ये चीज जरूर पैदा करेगा। ओ गॉड ऊपर वाला हमारा हेल्प करो। तुम्हें बातें कर लो जी। जी मैं अजीत बोल रहा हूँ। जी हाँ बात यह है, खन्ना साहब तो बाहर गए हुए हैं जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपका टेलीफोन आए तो कह दूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दी जाएगी। जी हाँ बात यह सेठ जी, अब पुलिस पुलिस का झगड़ा तो ठीक नहीं। जी हाँ जी हाँ, एक ही हफ्ते में सारी रकम लौटा दी जाएगी जी। अब बहुत हो अच्छी बात, आदाब। सेठ धर्मवीर गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, कहते थे कि अगर एक हफ्ते में मेरी रकम वापस न की गई तो सारा मामला पुलिस के हवाले हो जाएगा। हाय डार्लिंग अब क्या होगा? अब क्या होगा, रकम वापस करनी पड़ेगी और क्या होगा। कहाँ से, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे को समझ में नहीं आता डार्लिंग, एक तरकीब बताओ। तुम्हारे भाई सेठ सुंदरलाल मालदार आदमी है। मुझे उससे क्या, 2 लाख की मामूली रकम के लिए इनकार नहीं करेंगे। 2 लाख मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो अपनी जिंदगी में किसी को ढेला भी नहीं देने का। तो फिर ऐसी जिंदगी किस काम की? उनके तो एक लड़की भी है। रास्ते में एक खूबसूरत काटा, उसे निहायत खूबसूरती के साथ साफ कर दिया जाएगा। अजीत तुम्हें इस काम मेरा साथ देना होगा। वो किस तरह बॉस? मैं भाई साहब को और तुम वीना को, दोनों को रास्ते से हटाना ही होगा। इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं, लेकिन हमारे जरूर से महंगे तो नहीं। काले सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हाँ जीत, काम इसी सफाई से होना चाहिए। और सुनो मैं वीना से तुम्हें बहुत जल्द मिलाऊंगा। ओके बॉस। आप कैसी बातें करते हैं सच कहता हूँ, और ट्रेन में तो ऐसे ऐसे आदमी मिलते हैं। एक और अक्सर सुनो। अब माफ कीजिए, हसरत के पेट में दर्द हो गया, अब चाय पीजिए। भाई आपसे मिलने कोई आए? कौन है? कोई साहब है। आने दो। आज ये भीनी भीनी खुशबू कैसी आ रही है? डैडी ने नए फूल लगाए हैं। अच्छा तुमने मेरे नए फूल नहीं देखे? आपने दिखाए नहीं। चलो आइए अजय भाई साहब, आप अजय प्रसाद जिनके बारे में आपको जिक्र किया था, आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। हाउ डू यू डू मिस्टर जेस, आप हमारी भतीजी वीना। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है कि हम लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा आप लोग पहले मिल चुके हैं? जी हाँ यूं ही मुलाकात हो गई। अरे वीना आपसे चाय बनाओ। मुझे माफ कीजिए मुझे जाना है। इतनी जल्दी? हाँ जी क्लब में मेरी अपॉइंटमेंट है।
Excuse me. That's all right. हाँ अजीत, कोई नई खबर है? जी हाँ, वो आपका कंसाइनमेंट आ गया है, जिस वक्त भी चाहें आप चलकर उसे देख सकते हैं। जब मुनासिब हो आज शाम को देखना 7 बजे। बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, अब मुझे इजाजत दीजिए। अबे चाय तो पीते जाओ। जी मैं चाय पीकर ही हाजिर हुआ था। अच्छा नहीं, चाय लीजिए ना। जी नहीं, बस एक बार ले जाओ। हेलो, yes, the lights are still. Dance night. Three tickets, Mr. Williams. Okay. Picture में काम करना मांगता मिस हेलन। वेरी गुड नेम, लवली कट। हम प्रोड्यूसर है, चांस दे नहीं सकता। एक टिकट डांस नाइट का मिलने को सकता पॉकेट में? हाँ, वेरी गुड आइडिया। ये सौदा महंगा नहीं पड़ेगा मैडम। हम प्रोड्यूसर है, तुमको चांस देगा, जरूर देगा, और हमारी खिदमत करेगा तो मजे में रहेगा। है। लेकिन डार्लिंग, फिल्म का तो मजा ही कुछ और है। सच कहता हूँ, ये सूरत और इतना अच्छा मूरत, अरे हिंदुस्तान तो क्या, पूरा दुनिया का किसी कोने में नहीं मिलेगा। हम सच कहता है, हम तुमको हीरोइन बनाएगा। हर पान वाले की दुकान पर तुम्हारा कैलेंडर वाला फोटो लटका रहेगा, और हर जवान आदमी के गले में तुम्हारा फोटो का तावीज लटका रहेगा। और मालूम है हम पे क्या गुजरेगी? और हमको तो ये होगा कि तुम्हारे भागने का हर वक्त खटका रहेगा। बोलो प्रपोजल मैन देव। जानी बेटा, इससे पहले कि अपना जूता ऊपर आवे तू नीचे उतर, सीधा नीचे उतर। ओ, ये लो। ये तुम्हारे बाबा की खोली है, ताड़ी की दुकान है, कुश्ती का अखाड़ा है, क्या है रास्ता? मैं पिक्चर की बात करता था ना, 150 रुपए में इतनी बढ़िया छोकरी को टेलीफोन पर अटका दिया। इधर 1500 की ऑफर है खुला। बोलो मैडम, हाथ देना। इधर पूछो ना मैडम को। नहीं, चलो चलो, मैं कल बात करूंगा। हाँ हाँ, कल आना। हेलो हेलो, क्या कचरे का माफिक आदमी होटल के अंदर भर रखा है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर का नो इज्जत। नहीं नहीं जानी, बात यही की गलती हो गई होगी। रुपए का कुछ इंतजाम हुआ? रुपये का? अरे इसीलिए तो हम तुमको ढूंढता है, तमाम शहर में ढंडोरा पीटता है, लेकिन बच्चा तो बगल में। अच्छा, 25,000 का क्या हुआ? अरे 25,000 का वेरी स्मॉल रकम यू सी, और जान जैसे आदमी के लिए तो। आप आदमी कब से बने? आई मीन टू से आर्टिस्ट के लिए। ये बात बहुत मामूली सी बात है, इसलिए 25,000 का इंतजाम हम करेगा। मिस्टेक, आई मीन टू से 25,000 का इंतजाम तुम करो, बाकी फाइनेंस से करोलीमल करेगा। अब फिर हम तुमको हीरो बनाएगा, फर्स्ट क्लास पब्लिसिटी करेगा, और टॉप क्लास का हीरो बना देगा। टॉप क्लास का हीरो बना देगा? हाथ छोड़, हाथ छोड़। रास्ते में जूता बनाता था, अभी टॉप क्लास का हीरो बनाता है। भाई को बेवकूफ बनाता था, साहब को बेवकूफ बनाता है। भरोसा नहीं करना, भैंस का भरोसा करना, इसका भरोसा नहीं करना। अपने को फटका दे रहे थे, अपने बेरे से बहुत काम में लगे। तू रास्ता पकड़। एक बात बोलू? बोल। तुम डायलॉग बहुत अच्छा बोलता है, हम तुमको गेस्ट आर्टिस्ट बनाएगा अपनी पिक्चर का अंदर। चल चल, गेस्ट लाइट वाले, चल चल। तुम हाथों में यादव को हम भी दादागिरी किया हुआ आदमी है, प्रोड्यूसर भी बन गया तो क्या हो गया? चल बाहर बाहर चल। अजी, कुछ समझ में नहीं आया, बिना तुमसे पहली मुलाकात में इतनी खिंची खिंची क्यों रही? मैं भी हैरान हूं बॉस, कि जालिम ने परों पर पानी तक नहीं पड़ने दिया। डॉले, अब हमें तुम्हारी राय की जरूरत है। तुम औरत हो, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? हिम्मत रखनी चाहिए डॉले। मुलाकात, पहले के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। ये बात हुई, जाने का अड़ जाए। यूं भी होती है मोहब्बत, यूं भी होती है तबीयत, यूं भी आती है मुसीबत, यूं भी होती है मुसीबत, यूं भी होती है मोहब्बत, यूं भी होती है तबीयत, यूं भी आती है मुसीबत।
मुसीबत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी। सूरत मचल जाते हैं दीवाने, उठाकर मुंह पहुंच जाते, उठाकर मुंह पहुंच जाते हैं सर पर जूतियां खाने। शरारत ही शरारत में हजामत यूं भी होती है, शरारत ही शरारत में हजामत यूं भी होती है। तबीयत यूं भी आती है, मुसीबत यूं भी होती है, मुसीबत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी, मोहब्बत यूं भी होती है, तबीयत यूं भी आती है, मुसीबत यूं भी होती है, मुसीबत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी, मोहब्बत यूं भी होती है, तबीयत यूं भी आती है, मुसीबत यूं भी होती है, मुसीबत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी। लेकिन अजीत एक बात खैर है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मुझे इस बात का एहसास, मैं सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा हूँ। और सुंदर आपके वक्त आ गया है। ओके बात, वो नादान लड़की मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा तुम जाओ। गुड लक। बाय। डाली, औरत भी कितनी जल्द मर्द की मोहब्बत का इतबार कर लेती है। अच्छा Thank you.
बीना, अमल के कदम भगाना। तुम्हारे पति से किस बात का डर? तुम ही ऊंचाई पर लाए हो। अगर गिरने लगूंगी तो क्या गिर जाने दोगे? तुम बचाओगे नहीं? क्यों नहीं, मेरा मतलब है। समझती हूँ। हम मोहब्बत की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से गिरना गैर मुमकिन है। बीना, अब तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन वो होगा जब हमारा प्यार फूल में खुशबू की तरह समा जाए। अजीत, तुमने बीना की ताज जोड़ दी है। अब निगाहें न फेरना, एक नजर देख लेते हो तो जीने का शौक पैदा हो जाता है। आज बहुत परेशान मालूम होते हो बात। कुछ नहीं, अजीत का इंतजार कर रहा हूँ। वो कुछ अच्छी खबर लेके आने वाला था लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं। वो अपना पूरा काम करके आएगा, ग्रोह का सच्चा साथी है। इसका तो मुझे भी यकीन है लेकिन हालत दिन पे दिन खराब हो रही है, तकाजे बढ़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता ये हालत कब तक चलेगी। खैर, तूने क्या किया? कौड़ी फेंकी है। शिकार का क्या हुआ? एक शिकार फंसा है, उसे फिल्म बनाने का शौक है, 25,000 रुपए लाने के लिए कहा। फिल्म बनाने का शौक, ये शिकार तो पहले मरा हुआ मालूम होता है। गुरु, वो ऐसी शामी है, खून करे, चोरी करे, डाका डाले, पर 25,000 रुपया जरूर लेकर आएगा। डॉन, तुम गुपचुप गुपचुप क्यों है? ए, तुम हमारा मस्तक मत फिराओ। तो मत झरकता क्यों है? इधर देखो, इधर देखो, हम कितना स्वीट है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। हम तुम्हें लव करते हैं डार्लिंग। ओह गॉड, ये हमको बुरी तरह चिपका है। इधर से आता है डार्लिंग, इधर से आता है डार्लिंग। हम तुमको बोलता है तुम जाओ इधर से, हम कुछ सोचते हैं, हमको सोचने दो। तो कमाल है। क्या सोचते हैं डार्लिंग? ओह हो, तुम क्या करेगा पूछ के? चलो उठो, उठो, कैट आओ, बाहर निकलो। वाह, जो कुछ बोलेगा हम करेगा जाने। ओह माय डियर लवली पापा, ये मुसीबत को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ पापा। हम फिल्म बनाना चाहता, ये प्यार का टांग रहा था, हमको फिल्म के लिए फाइनल रुपया चाहिए, समझा? देगा, देगा, तुम हमको रुपया देगा? अरे पापा, पापा इसको मत उठाओ। डाली देगा ना? बराबर देगा, कितना मांगता है? 25,000 देगा, देगा। अरे डार्लिंग, डार्लिंग तुम कितना स्वीट है। नहीं नहीं, क्या बॉडी है, क्या फिगर है, क्या पर्सनैलिटी। नहीं डार्लिंग, तुम्हारा रूप रंग कितना अच्छा। डार्लिंग, फिर उसके बाद तुम हमसे शादी बनाएंगे ना? शादी? ओह गॉड, मर गया। गॉड, कितना बड़ा इंटरेस्ट मांगता है डार्लिंग, ये तो बहुत भारी ब्याज हो गया। बोलो ना डार्लिंग, तुम हमसे शादी बनाएगा? बताता है, बताता है, अभी हमारा सर चकराता है डार्लिंग। चकराता है? चकराता है, पर क्या करेगा, चकराएगा। हम अपने आर्ट और कला के लिए डार्लिंग ये कुर्बानी भी देगा, बनाएगा, तुमसे शादी बनाएगा डार्लिंग। ओ डार्लिंग, तुम कितना अच्छा है। ओ गॉड, तुम ओ डार्लिंग, डार्लिंग माई माई उंगली, मेरी उंगली, अरे उंगली गई। ये नहीं देखा को घुमाता है। अरे हाय, ओ व्हाट ए धोखा डार्लिंग। Come on, my lollipop, come on! Oh, oh, darling. Oh, where are you going, darling? Come on here. रुक क्यों गया? अंदर चलो मैडम। क्या उन्हों से मौरा शुरू कर दी? चलो अंदर चलो मेरी नन्नी मुन्नी भाई।
सानी, तुम हमको गोदी में उठा के ले चलने गॉड, गॉड, ये क्या बचपना है? तुम कितना फूल है? शादी होते ही टाइटल मिलना शुरू? नहीं, तुम नहीं समझता, ये हम लोग का रस्म है। क्या ये ऐसा कसम तोड़ देने का? नहीं नहीं, तुमको नहीं मालूम हमारे लोग का ये रस्म होता है। क्या? शादी का रात हस्बैंड वाइफ को गोदी में उठा के अंदर ले जाना मांगते है। तो उठाओ बिच्छू। हम तुमको नहीं उठाएगा, तुम हमको उठाना। तुमको उठाना? तेरा दो चार पार्टी वाला लेकर आता है। शट अप, हम पार्टी वाले का बात नहीं करता। तुम हमको गोदी में उठा के अंदर लेके जाओ। तुमको हम उठाएगा? अरे तुम्हारे को उठाते उठाते तो हम दुनिया से उठ जाएगा। और हम शादी की रात शहीद नहीं होना मांगता है मेरी माँ। माई डार्लिंग, उठाओ ना डार्लिंग। ओके, ये लो हेल्प ऊपर वाला। डार्लिंग नहीं उठ सकता। ट्राई करना, ट्राई करना। ओके ओके। लगा तो नहीं? लगा। तुम हमको नहीं उठा सकता? नहीं, हम तुमको इतना लव करता है, हम तुम्हारे लिए अपना ये रस्म है बिल्कुल बदल देगा। हाँ हाँ, तो तुम ये थामो। ओके, कमन कमन कमन, हम उठाएगा। डार्लिंग, हमारा तो अंजर पंजर ढीला हो गया। डार्लिंग सॉरी। तुम रात भर होल नाइट इधर ही बैठेंगे? हाँ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, तुमको मीठा मीठा गाना सुना के हम सुलाएंगा। ठंडी हवाएं लहरा के आए, हम हे जवा तुम हे डार्लिंग, मोजा उतारो, मेरे को ठीक आता है। अच्छा डार्लिंग। हाँ। कैसा लगता है डार्लिंग? तुम्हारा सेट एकदम हाई क्लास। थैंक यू। एटम बम के माफ़। क्या एटम बम का बात करता है, कोई रुमाल सा बात करो ना डार्लिंग। हाँ। पहले माल पानी का बात करो डार्लिंग। अच्छा, तो तुम हमारा माल पानी से प्यार करते हो और हमसे नहीं? नहीं। गलती, मिस्टेक, मिस्टेक डार्लिंग। हम तुम्हारा हर चीज से लव करता है। माल पानी भी तो तुम्हारा ही है ना। हाँ। फिर लाओ जल्दी से। तुम ले तो आराम करो। हाँ। देखो तुम सबसे ज्यादा तेज है, तुम कितना लवली। मैंने नहीं नहीं, मुझे उतारा रे। मुझे उतारा? थैंक यू थैंक यू डार्लिंग। डार्लिंग रोकड़ा लाना। तुम्हारा मम्मी हमारे कमरे में कैसे आएगा? अपना अपना घर में जाके देखो जाओ। मम्मी मम्मी है। तुम्हारा मम्मी कौन सा है? मम्मी 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 मम्मी। चुप करो, साइलेंट। मम्मी मम्मी ये लो तुम्हारा। ये बच्चे लोग कम वक्त कौन है? तुमको भी मम्मी बोलता है? यू फूल, अपना बच्चा लोग को कम वक्त बोलता है? अपना बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा है तो तुम्हारा बच्चा है। अरे हमारा बच्चा कहाँ से होगा, शादी तो अभी हुआ है। तुमको ये सुन के खुशी होगा, हमारा पहले छह हस्बैंड था। छह हस्बैंड? ओ गॉड, मगर वो सब किधर है? पुअर चैट, वो सब मर गया, बेवफा निकला। सबका एक एक निशानी है। निशानी है ना, मगर हम तो बगैर निशानी के ही जाएगा दिखता है। ओ गॉड, ओ गॉड, ये भी दे, ये तो सबसे बड़ा बेवफा निकला। शादी का पहला रात ही गया। क्या करता है? अभी नहीं गया, पैसा काहे को निकलता है? थैंक यू वेरी मच गॉड। तुम सबका नाजायज फायदा उठा रहे हो। जब मैंने एक बात कह दिया तो रुपया मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन कब? ये मेरी शराफत थी जो इतने दिन सबर किया, नहीं तो कब के जेल के हवा खाते। तुम मेरे साथ होते, अगर मैं चोरी का माल बेचता हूँ तुम खरीदते हो, हम दोनों मुजरिम हैं। लेकिन तुम्हारी तरह किसी का माल मुफ्त में नहीं हड़प करता। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता कि पुलिस ने सुनो कब्जा कर लिया है
जाओ, जो मर जा करो। खन्ना, थाने का रास्ता चुनीलाल को मालूम है। और खन्ना तुम्हें उससे भी आसान रास्ता बता सकता है। वाकई फुलझड़ी है, इसको अपने पिक्चर का हीरोइन बनाएगा। इसको देखकर तो सेठ करोली मल का बाप हजारी मल भी वाटर वाटर से पानी पानी हो जाएगा। सेठ जी? हाँ जी, अंदर सेठ साहब आइए। कमल डालिंग, आओ साहब आओ। कैसे? ठीक है। ए ये लो सेठ जी, पूरे 25,000। 25,000 पूरा? हाँ। यह है मेरी वाइफ, आई मीन टू से बीवी, और ये सब इसी की मेहरबानी सेठ जी। यानी कि आपके घर वाली? सेठ जी, इसका फिगर मत देखो, जिगर देखो कितना बड़ा है कि सारी पूंजी मेरे को दे दी और मैंने आपको। ये है तो असली क्या नोट?
जहेज में आया हुआ माल है सेठ जी, बिल्कुल असली। जब तो ठीक है, देखो आज का मुहूर्त तक भी अच्छा नहीं। क्योंकि शनि पे मंगल सवार है और कल ऐतवार। तुम्हारा पैसा मेरे पास आया तो मेरा पैसा बैंक में गया। सोमवार में मामला रखो, सोमवार को गिरविट भी हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा। गिरविट? ये क्या गड़बड़ है सेठ जी? गिरविट 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 यानी लिखा पड़ी। यू मीन टू से एग्रीमेंट? वाह, इसमें एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, आप तो भरोसे के आदमी हो। और फिल्म लाइन में तो बगैर एग्रीमेंट के सब चलता है, भरोसे में कारोबार होता है। भरोसा तो भरोसा ही सही। तो फिर सोमवार को? हाँ सोमवार को बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा चलो डार्लिंग। गुरु लीजिए, गिल्ली ये पूरा 25,000 है। शाबाश। लेकिन इनके पीछे को निशाना तो नहीं छोड़ा है? नहीं गुरु, किराए का मकान लिया था, छोड़ा है। तो हमारे सबसे होशियार साथी अजीत तो बिल्कुल निकम्मा निकला। गुरु अपने अपने काम का ढंग होता है। लेकिन इतनी मामूली सी बात और इतना जायज, मुझे तो खतरा है कहीं महाशय मोहब्बत तो नहीं कर बैठे। नहीं गुरु, मोहब्बत के लिए वो अपना फर्ज नहीं भूलेगा। हो सकता है, लेकिन मुझे शक है। क्या दिन उसी इमारतों को खूबसूरती की दाद दी जा रही है? डरता हूं कि अगर तुम्हारी तरफ देखूं तो फिर तुम डांट मत। क्यों? अब तुम बेगाने थोड़ी हो, अब तो तुम मेरे हो, किसी और के नहीं। इतना भरोसा है तुम्हें मेरी मोहब्बत में? मोहब्बत हमेशा भरोसा करती है। जब तुम पास होते हो मेरी जिंदगी में बहार आ जाती है। बहार में फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। अगर तुम उस बहार में हो तो मुझे वो कांटे भी मंजूर है। लेकिन तुम ये भी तो नहीं जानो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं ये जानना भी नहीं चाहती। तुम जो कुछ भी हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सहारा हो। डार्लिंग एक बात पूछूं, तुम अजीत पर चेक क्यों करते हो? मेरा ख्याल है अजीत बीना से इश्क करता है, और जो लोग इश्क करते हैं वो मरते हैं, मारते हैं। तो अजीत ने बीना से मोहब्बत करके वादा खिलाफी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा दी जा रही है। हेलो बस मैच डार्लिंग। अपने हर उस आदमी को जो जबान देकर फिर जाए। खैर ये बताओ तुम कहां तक पहुंचे? मैं तो बहुत दूर पहुंच चुका हूं। अजीत दूर पहुंचे से हमारा काम नहीं बनेगा, हमारे नजदीक आओ, उसी में आपकी भलाई है। बात यह है कि मैं रुकोगे? बोलो। कुछ नहीं, मुझे मुझे मोहब्बत हो गई है। जी नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे गलत न समझिए। झूठ बोलते हो, ये वजह तुमने बीना को अभी तक खत्म नहीं किया। मोहब्बत अंधी होती है, सोचे समझने का मौका नहीं देती। लेकिन मुझे बीना से मोहब्बत नहीं, बकते हो। बर्फुरदार में उड़ती चिड़िया पहचानता हूं, लेकिन ये मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी जब बीना को पता चलेगा तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें बीना के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे बीना से मोहब्बत नहीं। भगवान करे ना हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी बुराई नहीं चाहते। अजीत तुम्हारे लिए वीना का खत्म करना कोई मुश्किल नहीं, तुम उसे जहां चाहो ले जा सकते हो। मैं वीना को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। मुझे वीना से कोई मोहब्बत नहीं। मैं उसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाऊंगा, इतनी ऊंचाई पर कि जहां से गिरकर उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी।
अपनी सजा के गलियां चुनी है तेरे हार के लिए। ओ, बैठे बिठाए हमने तो खाए दुनिया लुटा दी तेरे प्यार के लिए। ओ, रातें जगा के सपने सजा के गलियां चुनी है तेरे हार के लिए।
तुम्हें क्या मालूम कि एक दिन मैं तुम्हारा हूं। नहीं, ये नीच काम मुझसे नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बिना मैं तुमसे माफी मांग लूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बिना मैं तुमसे तुझे वीना से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं, तुझे वीना से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। तुझे वीना को मारना होगा, तुझे वीना को मारना होगा, तुझे वीना को मारना होगा। तो तुम हमारा साथ छोड़ना चाहते हो? जी। बीना को खत्म ही किया और खुद उसकी तेज नजर का शिकार हो गए। अजीत, तुम तो हमारे दोस्त आदमी थे, हम तो सिर्फ बीना की दौलत चाहते थे, लेकिन तुम बीना और उसकी दौलत दोनों पर कब्जा करना चाहते हो। क्यों नहीं, अगर जिंदा रहे तो। खन्ना साहब, जिंदगी आपके हाथ नहीं, मालिक के हाथ। तो बुलाओ अपने मालिक को। गद्दार? मैं पहले गद्दार, अब नहीं। मैं गद्दारी कर रहा हूं इंसानियत से, नेकी से, इंसाफ से, अपने आप से, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। मैं अंधेरे में भटक रहा था, बिना की मासूम निगाहों ने चिराग जलाया और मैं गुनाहों के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब क्या इरादा है? इस जिंदगी से किनारा करना चाहता हूं। अपने जुर्म कैसे छिपाओगे? मैंने जुर्म किए तुम्हारे इशारे पर। मैं मजबूर और तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं तुम्हारी आंखों से देखता था और तुम्हारे दिमाग से सोचता था। मैं मुजरिम नहीं था, लेकिन एक मुजरिम के हाथ में खिलौना था। जो हाथ खिलौने को न जा सकता है वो उसे मिटा भी सकता है। खन्ना साहब, बेजान खिलौना जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझ में जान है। Thank you.
अभी खिलौने में जान बाकी है। डाली, अजीत को मारना ठीक नहीं है। मैं उसे अपना बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं डाली, तुम मुझे गलत मत समझो। बात यह है, बीना और अजीत की मुलाकात हो चुकी है। अजीत की अचानक मौत बीना के दिल में शक पैदा कर देगी। तुम इतनी अकल की बातें कब से करने लगी? अच्छा, तुम तुम्हारा काम खत्म कर दो, मैं अजीत को देती हूँ। श्याम, अजीत को बांधो। पियोगे नहीं तो मोहब्बत कैसे करोगे? मैं कहता हूं मेरा मगज मत छोड़,
मैं तुम लोगों को इंसानियत से गिरा हुआ काम नहीं करने दूंगा। मगर डार्लिंग, बॉस को तो रुपए चाहिए। और रुपए के लिए तो बेगुनाहों का खून कर दिया जाए। तुम औरत हो या डायन? जो कुछ भी हूँ तुम्हारी हूँ। ये एहसान किसी और पर जताना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम और खन्ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। मुझे गलत ना समझो, मैं खन्ना का हुक्म मानती हूँ और उसके सामने तुमसे मोहब्बत की बातें नहीं करती, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो। मैं तुम्हारी मजबूरियाँ अच्छी तरह समझता हूँ। तुम मोहब्बत की आड़ में नफरत को पालती हो। तुम औरत और इंसानियत के नाम पर एक बदनामा दाग। मैं कुछ भी हूँ, काश तुमने मेरा दिल तो देखा होता। मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकती हूँ। अपनी जान को जरा संभाल कर ही रखना, किसी दिन फांसी के तख्ते पर काम आएगी। तुम मुझे अपना बना लो डाली, फिर मौत भी खूबसूरत हो जाएगी। मैं खन्ना के साथ ही बनी, शौक से नहीं, मजबूरी से। और यहाँ मैंने उम्मीद की रोशनी तुमने देखी। अब तुम जो चाहो कहो। रस्सियों में जकड़ कर मोहब्बत करती हूँ? मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों को खूब समझता हूँ। मैं तो तुम्हें खोल देती डाली, लेकिन मजबूर हूँ। खन्ना की भी तो बात मानना चाहिए। तो फिर जाओ, खन्ना ही की बात मानो, मुझे क्यों बोर कर रही है? ये है मेरे नए फूल, बहुत ही खूबसूरत है, कितने प्यारे हैं। हाँ, और ये देखो। जारी, आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ यहाँ से संभल कर चला करो। नहीं बेटा, घबराओ, अगर गिर गए तो? गिर क्यों जाते? मैं जो था, घबराने की कोई बात नहीं बेटा। हेलो, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आपका हस्बैंड, आई मीन टू से पति, पति देव पति, पति वो तो मुझे जवानी में छोड़ के चला गया। वो तो मुझे जवानी में छोड़ के चला गया। कहाँ गया? संसार छोड़ के चला गया। डार्लिंग, व्हाट्स रॉन्ग? क्या बात पूछो? दो महीना वो मर गया। डार्लिंग ठहरो, डार्लिंग ठहरो। बोलता है कि दो महीना हो गया मर गया। हम तो दो दिन पहले 25,000 दिया। अरे परसों दिया रे। दो दिन पहला हम देखा उसको। अरे करोड़ी मल, करोड़ी मल 400 से वो तो यहाँ तो निकाल दिया गया है। मगर वो तो कहता था ये बिल्डिंग हमारा है। उस मुए का यही ख्याल था, जब ही तो किराया नहीं देता था। जब हम कुड़की लाया तो मुआ भाग गया। और जब सामान पे कब्जा किया तो मालूम हुआ सामान भी किराए का। ओह माय गॉड डार्लिंग, डार्लिंग तुम सबर करो डार्लिंग। उसने मिस्टर जॉनी यानी कि हमारे वास्ते कोई संदेशा मैसेज कुछ कुछ? हाँ हाँ हाँ, उसने कहा था कि मिस्टर जॉनी को कहना कि हम अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता था। हाँ, हाँ। तो 125,000 रुपया मिल गया। 25,000 मिल गया? कहा था? यही कहा था। हो गया बीबी जी, क्या हुआ? बड़े साहब, क्या हुआ डैडी को? बड़े साहब छत से गिर गए हैं। सहारा दो,
बेटी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया डॉक्टर सिप्पी। इन्हें सख्त सदमा पहुंचा है। बाप के मरने का सदमा किसे नहीं होता है। और फिर वीना को तो भाई साहब जान ज्यादा प्यार करते थे। खाना साहब, इन्हें कहीं दूर ले जाइए। यहाँ रहने से इस घर की हर चीज इन्हें अपनी डैडी की याद दिलाती रहेगी। मैं तो बहुत घबरा गया था, वीना को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी। मैंने उसको इंजेक्शन दे दिया है और सुबह तक वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप इसे किसी और जगह भेज दीजिए। बहुत अच्छा। Another one. Thank you. Hello, Inspector. Hello, Mr. Khanna. How are you? आज आप इधर आ सके कैसे भूल गए? क्या बताऊं मिस्टर खन्ना, शहर में दिन पर दिन जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कत्ल की वारदातें भी हो चुकी हैं और चोरी का सोना भी पकड़ा गया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये काम किसी बड़े ग्रोह का है। यकीनन, ये जरूर किसी ग्रोह का काम है। सच पूछे इंस्पेक्टर साहब, आजकल तो शरीफ आदमी का बॉम्बे रहना दूर हो गया। बहरहाल, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे भी हर शहरी का फर्ज है कि पुलिस की मदद करे। इंस्पेक्टर साहब को सिर पिला। नो नो थैंक यू, इट्स ऑलराइट, आई डोंट स्मोक। हेलो डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। सब ठीक है? डाली, पेट गरम भी रहा था, मैंने इसे चलता कर दिया। शाबाश। डाली, अब प्रोग्राम क्या है? मैं खंडाले जा रहा हूँ। वीना को साथ लेके? गुड आइडिया। उसे मेरिंडा से दूर ले जाना ही पड़ेगा। जो काम कम वक्त अजीत आसानी से कर सकता था, मेरे लिए कितना तूल पड़ गया है। अजीत ने बहुत बुरा किया डाली। कोई बात नहीं, उसका भी वक्त आएगा। हाँ सुनो, जब तक मैं वापिस आऊँ उस पर निगाह रखना, उसके पास हमारा राज। तुम फिक्र ना करो डाली, डॉली ने सच्ची गोलियां नहीं खेली। शाबाश, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय डॉली, गुड लक। बीबी कमरा ठीक करो। अभी करता हूँ सरकार। चाचा जी, आज ये जगह बहुत सुनसान मालूम होती है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगी। कोई बात नहीं बेटा, दो दिन रहना, तुम्हारा दिन बहल जाएगा, फिर वापस चले जाएंगे। आखिर भाई साहब के बाद तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। चाचा जी। जा बेटा, तुम जाकर ऊपर आराम करो।
क्या बात है? साहब से डरता हूँ। कहो, डरने की कोई बात नहीं। बड़े सेठ का नमक खाया है, बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आप यहाँ से चले जाइए। आखिर क्यों? क्या बताऊं, बात तो कुछ ऐसी नहीं। आप यहाँ रहे जी नहीं मानता। अकेला मकान, शहर से दूर, और फिर धन वालों के दुश्मन भी तो ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। क्या है? खन्ना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम? क्या कर रहे हो? इसने मुझे लात मारी है। तुम इसी काबिल हो, जाओ यहाँ से। खन्ना कहाँ है? घर में। पत्नी है, कोई नेक काम करने गया होगा। सच क्यों नहीं कहती? सच तो कह दिया, तुम मुझ पे इतबार क्यों नहीं करते दाने? पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि तुम पर इतबार किया जाए। बताओ खन्ना कहाँ? क्या करोगे जान के? मैं उसका अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वो तो कामयाब हो चुकी है। क्या? बिना इस दुनिया में नहीं? ऐसे ही समझो। साफ साफ कहो क्या बात? बात तो पुरानी है डाली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बिना तुमसे नफरत। तो गया वो जिंदा है, भगवान करे वो जिंदा रहे, मुझे उसकी नफरत भी मंजूर। हाय हाय, इतनी मोहब्बत? तो सुनो, वीना को जब खन्ना ने बता दिया तुम उससे क्यों पहाड़ पर ले गए थे, वो बहुत बिगड़ी, उसे बड़ा गुस्सा आया तुम पर। बकवास बंद करो, साफ साफ बताओ कि वीना कहाँ है। मैं फिर उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा, उसे बताऊंगा कि अजीत पूरा आदमी नहीं। किससे बताओगे? वो तो बॉम्बे छोड़ के चली गई। क्या कहा? हाँ, जाते हुए कह रही थी, उस हवा में सांस लेना भी पाप है जिसमें अजीत जैसे आदमी रहते हैं। तुम्हें गालियां दे रही थी डाली, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो बॉस का लिहाज था कि मैं चुप रही, वरना ऐसा मुंह नोचती कि वो जिंदगी भर याद करती। तो क्या बीना ने खन्ना की बात का सच मुझसे सीन कर ली? क्यों ना करती, क्या वो सच बात नहीं थी? चलो अच्छा ही हुआ, ये पैसे वाले किसी के सगे नहीं होते। मैंने मसूरी के लिए दो टिकटें मंगवाई, जितनी जल्दी यहाँ से चले उतना ही अच्छा। ठीक है, बंबई में हर चीज को दौलत की तराजू में तोला जाता है, मैं खुद ही गिर गया, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। इतना अफसोस मत करो डाली, सेहत खराब हो जाएगी, जिंदगी लव करने के लिए है। अच्छा, मैं जाके तुम्हारा कमरा ठीक करती। क्या हाल बन गया मेरा डार्लिंग का। राम प्रकाश, आज से सारा काम तुम संभालो, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर गांव जा रही हूँ। ओके बॉस। सीने से बोल
कहते हैं डगमगाते कदम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ। अब वो करम करे के सितम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ। वो बेवफा है अब भी ये दिल मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है उन्हें जानता नहीं, उन्हें जानता नहीं। मैं आज तोड़ दूंगा भरम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ। अब वो करम करे के सितम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ। फुर्सत नहीं है रोने रुलाने के वास्ते, आए ना उनकी याद सताने के वास्ते, सताने के वास्ते। इस वक्त दिल का दर्द है कम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ। अब वो करम करे के सितम मैं नशे में हूँ, मुझको न कोई होश न गम मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। चाचा जी फिर क्या हुआ? मैंने एक नहीं पांच गोलियां चलाई और सब निशाने पर लगी, लेकिन वो मरा नहीं। मरा नहीं? अंकल फिर तो वो भूत के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। पहले मेरा भी ये ख्याल, लेकिन नहीं ये सब दिमाग कर रहे हैं। अरे 11:30 बज गए, जा बेटा तुम जाकर सो जाओ। और हाँ डरना नहीं, अगर कोई बात हो तो घंटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा गुड नाइट।
भी नहीं चली? मुझे डर लग रहा है। बत्ती जल गई। कामों का डर रही है, घबराने की कोई बात नहीं। आ चलो अपने कमरे में चलो। सो जाओ बेटे, मेरे होते हो तुम क्या डर है? घबरा गई हो, सो जाओ। मेरे सर में दर्द है, आप जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। सर में दर्द है, उसको दवा है। इसे खा लोगे चैन से नींद आएगी। तो नहीं देखा? नहीं देखा जी, नहीं। अच्छा उसे ढूंढो जल्दी। बहुत अच्छा। अजीत कहाँ है? दूसरे कमरे में। वहाँ नहीं है। वही होगा, और कहाँ जाएगा? पता मत, जाके ढूंढो उसे। अजीत का कहीं पता नहीं। अब क्या होगा, बहुत बुरा हुआ। अच्छा मैं खंडाला जाते बॉस को कह देती, तुम चिन्ना को लेके मेरे साथ चलो। अब तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, अगर अजीत यहाँ पहुँचा तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। अजीत की बात का यहाँ कोई असर नहीं। ये तुम्हारी भूल है डाली, वीना अजीत से मोहब्बत करती है, वो उसकी सब बात मान जाएगी। डॉली, अजीत का इश्क मेरी मर्जी का मोहताज है, मैं जब चाहूँ वीना के दिल में अजीत की तरफ से नफरत पैदा कर सकता हूँ, समझे? अकल से काम लो, अगर अजीत ने वीना को सब कुछ बता दिया तो? क्या बता दिया? यही कि तुम वीना को जान से मारना चाहते हो। पहले तुम अकल से काम लो, दीवारों में कान होते। आप ठीक कहते हैं चाचा जी, दीवारों के भी कान होते, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप अपनी बेटी से ऐसा सलूक करेंगे। आप इतने बुरे निकलेंगे, मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े? अजीत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनसे आपका क्या मतलब? उसके मुंह से कुछ अपने बारे में सुनना चाहती हो? आओ सुनाओ। मैं वीना को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। मुझे वीना से कोई मोहब्बत नहीं। मैं उसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाऊंगा, इतनी ऊंचाई पर कि जहां से गिरकर उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। Thank you.
मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। आप यहां से चले जाइए। कहां जाओ, कैसे जाओ? आप न घबराइएगा, सुबह होते ही मैं आपके जाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। अजीत बाबू आइए आइए। बीना देवी हैं? वो तो खंडाला गई हैं। कब? आपको पता नहीं, बड़े सेठ जी का देहांत हो गया, वो छत से गिर गए। वो छत से? जी हाँ, पिताजी के गम में दिन रात रोती थी, उनकी तबीयत बहलाने के लिए खन्ना साहब उन्हें खंडाला ले गए। खन्ना साहब उन्हें खंडाला ले गए, ठीक। अच्छा शीना, अच्छा। मैं चलता हूँ। बिटिया ये लो गाड़ी की चाबी, आज तुम जल्दी चले जाओ। मालूम होता अजीत, तो मैं दौलत का ढेर तुम्हारे कदमों में रख देती। बस करो बिना, अगर तुम्हारी मोहब्बत से तुम्हारी दौलत से ज्यादा प्यारी होती तो आज तुम जिंदा न होती। मैं मानता हूं कि मैं मुजरिमों के गुरोह का साथी जरूर, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पुष्टि बना दिया। मैं डरता था कि अगर तुम मेरी असलियत जान गई तो मुझसे नफरत करने लगे। चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बनाने की कोशिश मत करो अजीत, मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जानती। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मार डालूं। ठीक, अगर तुम्हारे हाथ से मारा जाऊंगा तो समझूंगा कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलेगी। ये लो और अपनी आरजू पूरी करो। मैं ये चाहता हूं कि मरने से पहले अपने गुनाहों का इकबाल कर। शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलाया गया कि तुम्हें हमेशा के लिए खन्ना के रास्ते से हटा दूं।
और मैं यहां तक कामयाब भी हुआ कि तुम्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाकर थके, लेकिन मोहब्बत हमेशा मेरे रास्ते में आई और मैंने तुम्हें गिरते गिरते बचाई। मैं तुम्हारा हूं, अब मैं अपनी मौत से खेलने को तैयार हूं, चाहे वो तुम्हारे हाथ से मिले या उस दलील खन्ना के हाथ से। मालूम होती है डार्लिंग, वो देखो। डॉली तुम गाड़ी में बैठो, तुम लोग यहां से नीचे जाओ, तुम टाइगर को लेके जल्दी आओ।
बसे कहां जाओगी ए बोलो नीचे चलो छोड़ दो मुझे चलो यही पड़े रहो हस्बैंड आई मीन तुझसे अपने घर वाले से कोई लाल पीला होता है नहीं तुम्हारे गले में प्यार से बांधे डालेगा हाँ कितना नुकसान किया तुम्हें मालूम है डार्लिंग हमने तो तुम्हारा साथ शादी बना के उल्टा तुम्हारा फायदा किया तुमको विधवा से सुहागन बनाया पूरा लेडी और हम खुद विधवा हो गया आई मीन तुझसे बिल्कुल कड़का डार्लिंग डार्लिंग और हमारा आर्ट हमारे सीने में गोते गोते आई मीन टू से ऊपर नीचे होता है डार्लिंग हार में गया तुम्हारा आर्ट और ऊपर से तू मेरा 25,000 रुपया चला के क्या कर दिया डार्लिंग खटिया टूट जाएगा खटिया का फिकर है 25,000 रुपए का फिकर नहीं डार्लिंग खटिया तो आखिरी निशानी रह गया बातें मत बनाओ निकालो मेरा रुपया डार्लिंग रुपया तो श्री 420 करोड़ इमल हजम करके रफू चक्कर आई मीन टू से 9-2-11 हो गए वो भी तुम्हारे ठगे वाला होगा तुमने मिलकर ये सब चक्कर चलाया था ओ गॉड हम कितना फूल था प्यार का गर्मी पर ठंडा ठंडा काम कर गया अपना सारा रुपया से निकाल के दे दिया माय मनी डार्लिंग डार्लिंग हम स्कीम बनाया कि हम फिल्म कंपनी बनाता तुमको हीरोइन बनाता तुम्हारा पब्लिसिटी करता न्यू फेस न्यू फाइन न्यू फेस न्यू फाइन डार्लिंग फिर तुम क्षमा आई मीन टू से बिजली का बल्ब बन जाता तमाम दुनिया तुम पर मर मिटता डार्लिंग और हम दोनों का नाम रोशन हो जाता बट परंतु किंतु लेकिन सब मामला उल्टा फिर तुम हमको बुद्धू बनाते हैं हम रोज अपना आईने में मुंह देखती है समझा डार्लिंग लैला को मजनू की आंख से देखो तुम कितना ब्यूटीफुल है कितना हसीन है हमारा आंख बताएगा तुम्हारा 2 कोड़ी का आरसी नहीं बताएगा अरे जाजा तू क्या मेरा पाटिया गोल करने को मांगता है मेरा 6 हस्बैंड बेचारा सब जमा करके मर गया और तू आया एक ही दिन में सब कुछ लूट लिया डार्लिंग माना के 6 बहुत अच्छे थे मगर 6 सबसे सब घसिया रहे मेरे माफिक आर्टिस्ट तो नहीं था ना कोई डार्लिंग तुम तो एकदम लक्की है कि तुमको हमारा माफिक हस्बैंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राइटर मिल गया अब तुम टक्कर बन पाओगे कि नहीं तुम्हारा जैसा एक्टर बैक्टर मरीन ड्राइव में मारा मारा फिरता है मरीन ड्राइव आइडिया वंडरफुल आइडिया डार्लिंग टुन टुन जियो जब तक जी चाहे जियो तुमको पैसा मांगता है ना हाँ डार्लिंग देखो अपना 6 हस्बैंड का 6 निशानी अंदर भूखा प्यासा सोता है मेरे से ये नहीं देखा जाता डार्लिंग अरे कुछ परवाह नहीं डार्लिंग हम आर्टिस्ट है तुमको गाना आता है गाना अपना अक्का फैमिली गाने वाला था मेरा दादे का दादा मेरा नाने का नाना मेरा मामे का मामा मेरा चाचे का चाचा बादशाह अकबर था ना उसका हाँ। गाने वाला था क्लासिकल गाने वाला अरे तब तो वेरी गुड डार्लिंग फिर तो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बाल बच्चों के लिए अपने आर्ट को मार्केट में लेके जाएगा डार्लिंग फिर पब्लिक हमारा झोली भरेगा और फिर मालूम है हम तुम्हारे लिए क्या करेगा क्या एक ब्यूटीफुल बड़ा छकड़ा खरीदेगा छकड़ा डार्लिंग मोटर में तो तुम नहीं आ सकेगा ना अच्छा डार्लिंग तुम जिसमें बैठाएगा हम बैठेगा पर अपने को पैसा मांगता है डार्लिंग अरे वेरी गुड तो फिर उठाओ हारमोनियम और तबला बहुत दिन से बेस पूरे पड़े हैं चलो तुम्हें मिलाएगा ¶¶
करम की भीख मांगी हमने तुझसे और सितम पाया, खुशी लेने को आए तेरे दर पर और गम पाया। बता ऐ आत्मा वाले तेरे बंदे किधर जाए, तेरे बंदे किधर जाए। बता ऐ आत्मा वाले तेरे बंदे किधर जाए, तेरे बंदे किधर जाए। वही बेदर्द दुनिया है जहाँ जाए जिधर जाए, जहाँ जाए जिधर जाए। बता ऐ आत्मा वाले तेरे बंदे किधर जाए, तेरे बंदे किधर जाए। जफाओं पर जफा, बेदाद पर बेदाद होती है हमारी जिंदगी, क्या मौत भी बर्बाद होती है। हमें इतना तो बतला दे जिए हम जाके मर जाएं, बता ऐ आत्मा वाले तेरे बंदे किधर जाए, तेरे बंदे किधर जाए। जहाँ जाए
बता ऐ आसमां वाले। राइट होटल? अच्छा तुम कौन हो? अजीत? कौन अजीत? वक्त आने पर मालूम होगा, जान खतरे में। अच्छा चलो, तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, अब कुछ ही दिनों में मैं तुम लोगों को इतना रुपया दे दूंगा कि बाकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। पुलिस पुलिस हेलो पुलिस। ले चलो इन सबको पुलिस स्टेशन। चलो अजीत, हमें बड़ा अफसोस है कि वीना का कहीं पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर साहब, वीना की जिंदगी बहुत खतरे में है, अगर इस सिलसिले में कुछ जल्दी ना की गई तो न जाने खन्ना रुपए पैसे की लालच में क्या कर बैठे। वो तो ठीक है, लेकिन मुजरिम भी भला कर देती है, वो किसी तरह से नहीं मानता। कुछ ना कुछ तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हजूर, मुजरिम ने वीना का पता बता दिया। वेरी गुड, बताओ वीना कहाँ है? बोलो। रफीक मंजिल बैलेट स्क्वेयर फ्लैट नंबर 7 में। चलिए इंस्पेक्टर,
आप दूसरी तरफ से। ओके। बुराई का नतीजा बुरा होता है। खन्ना जैसे लोग इंसानियत और शराफत के दुश्मन होते हैं और उसका इंजाम उन सब लोगों को नेकी और शराफत का रास्ता दिखाएगा जो रुपए की खातर मुजरम बन जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी तो कुछ रास्ता बताइए ना। हाँ हाँ, केस का फैसला हो चुका है, आप अदालत में दरख्वास्त दे दीजिए, रुपया मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ हाँ। अरे वेरी गुड, वाह ऊपर वाले, क्या बढ़िया इंस्पेक्टर बनाए हम शरीफों की मदद के लिए। इंस्पेक्टर साहब, अब हमारा फिल्म जरूर बनेगा। हम सच बोलता है, आपको इंस्पेक्टर का ही रोल देगा। हम देश की सेवा कर रहे हैं, यही हमारा रोल है। अच्छी बात है। इंस्पेक्टर साहब, वो अजीत का क्या हुआ? वो सरकारी गवाह बन गया था, अदालत ने उसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया? बेचारा नेक आदमी था, उचक्कों के गिरोह में फंस गया था। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा, देखिए आप हमारा फिल्म देखने जरूर आना। जरूर आएंगे, बहुत बढ़िया फिल्म बनाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, ओके। लेकिन मेरी खुशी तो अभी तक अधूरी है। हाँ, शरीर कहेंगे। हाँ कह, कह तो न भी। आज तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई नहीं मुझे ये राज करेगा। अब तो हाँ कह। पहले मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई। फिर तो हाँ कह। मोहब्बत यूं की होती है, मोहब्बत यूं की होती है, तबीयत यूं की आती है, मुसीबत यूं की होती है, मुसीबत यूं की होती है। मोहब्बत यूं भी, मोहब्बत यूं भी होती है, तबीयत यूं।